बाबा एक सहारा है, जाना जरूर है। बोल बम, 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 बोल बम। जैसा कि देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, कांवरियों में इतना उल्लास जो है, इतना जोश जुनून के साथ जो है, हर हर महादेव के साथ जो है, वो कांवरियों का जो है अपना कांवर सजाकर जल पात्र तैयार करके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये संकल्प होता है सलपंग। तो जैसा कि अभी देख रहा है यहाँ पे कांवरिया दूर दूर से आए हुए हैं, जल भरने के बाद जो है अपने गंगा जल को संकल्पित कर रहे हैं, और करने के बाद जो है यहाँ से कांवर वो कंधे पर रखेंगे और यहाँ से वो जो है आगे देवघर की तरफ जो है वो बढ़े। तो यहाँ पे कांवरिया लोग जो है गंगा स्नान करने के बाद, जल भरने के बाद कंधे पर कांवर लेकर अब देवघर की तरफ चल दिए हैं। देवघर नगरिया दूर है, जाना जरूर है, क्योंकि देवघर नगरिया यहाँ से 110 किलोमीटर है, दूर है। और 110 किलोमीटर जो है पूरे बम को पैदल चलना है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना हाथी है, ना पालकी है। और आज के जमाने की बात करें तो ना मोटरसाइकिल है, ना फोर व्हीलर है, और ना ही बस ट्रेन कुछ है, तो पैदल जाना है अपने पैर पे। तो अभी आप लोग कहाँ से आए हैं? रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए, देख लीजिए, छत्तीसगढ़ से आए हैं लोग बिहार में, और वो भी कौन से नगरी से? दिल्दा नगरी, दिल्दा। क्या बात है, इस नगरी से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? अभी जल अभी सेक हो चुका है, मतलब जल भर चुका है और निकल रहे हैं। बहुत खुशी है आने जाने की, बहुत आनंद। कितना अंदर, मतलब कितना अंदर जोश है कि बाबा का दर्शन करना है? जाना जरूर है बाबा के धाम। जी, बाबा के धाम पूरा जाना है, जितना जल्दी से जल्दी पहुँच सके। 110 किलोमीटर का सफर है, कैसे तय होगा? बाबा तय करेंगे रास्ता आगे का। बाबा ही चलेंगे, बस आपको चलना है। चलना हमको, बाबा ही चलाएंगे हमको। हाँ, बाबा ही बुलाए, मतलब ये जो सफर है वो बाबा ही पार, बाबा ही पार कराएंगे, बाबा ही पार लगाएगा। बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, नाम लेते हुए जो है कांवरिया बम जो है अब ये लोग निकल चुके हैं और देवघर जाएंगे। वहां जाने के बाद जो है बाबा बैजनाथ जी पर जो ये लोग जलाभिषेक करेंगे। ये नज़ारा, यही है हिंदू का सनातन धर्म। ये वही सनातन धर्म है जो हिंदुओं का पावन धर्म जो है सुशोभित करता है, और ये दिखाता है कि यहाँ पे हिंदू जो है अपने धर्म के प्रति, अपने श्रद्धा के प्रति, अपने आस्था के प्रति कितना प्रेम व्यवहार जो है वो रखते हैं, और महादेव के प्रति जो प्रेम जो है वो आपको इस गंगा घाट पे दिखाई दे रहा है। महादेव के प्रति जो लालसा होती है, महादेव के प्रति जो आस्था और श्रद्धा होती है, वो आपको इस गंगा घाट पर देखने को मिल रहा होगा। हजारों हजार की संख्या में कांवरिया यहाँ पे आ चुके हैं, स्नान कर रहे हैं और जलबोजी करके देवघर की तरफ जो है वो निकल रहे हैं। सुल्तानगंज का जो घाट है, गंगा घाट है, ये वही घाट है जहाँ पे कांवरिया भी आप देख रहे हैं, कांवरिया जो अपने घर से आ रहे हैं, घर से आने के बाद जो है यहाँ स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद जो है वो जो है जल अभिषेक जो है यहाँ से करके जो है जल भर के जो है वो निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो भीड़ देख रहे हैं, इससे पता चल रहा होगा कि आने वाली सोमारी को लेकर जो है लोगों में कितना उल्लास है, लोगों में कितना जोश है। वो यहाँ पे आए हुए हैं और गंगा जल भरने के बाद जो है यहाँ से जो है प्रस्थान करने की तैयारी जो है कर रहे हैं। तो साफ साफ मेरा कहने का मतलब ये है कि गंगा जी यहीं हैं। आप नहीं जानते होंगे तो गंगा जी है, आप पूरा नदी देख रही है, गंगा जी अपने पूरे मदमस्त चाल में जो है वो बही जा रही है, और पूरा का पूरा नदी जो है भरा हुआ है। गंगा माँ को भी पता है कि ये श्रावण मास चल रहा है, और श्रावण मास में जो है बाबा महादेव के जो है भक्त आते हैं, और कहीं ना कहीं जो है गंगा जल को लेकर जो है वो भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांवरिया एक सूत्रधार है कि माँ गंगा को भोलेनाथ से मिलाने का काम करते हैं, इसलिए गंगा माँ भी अभी शांत है, और गंगा अपने चरम पे जो है अपने पूरे धारा के साथ जो है वो बह रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कांवरिया लोग जो है यहाँ पे हैं, कांवरिया आ चुके हैं, जलबोजी भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ से जल लेकर जो है चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। आइए चलिए कुछ कांवरियों से हम बात। क्या नाम है बम आपका?
पिंटू कुमार। कहाँ से आए हैं? बाढ़ से। कहाँ से? बाढ़ से। बाढ़ से आए हुए हैं? पटना से ही आप हैं। कैसा लग रहा है अभी गंगा जी में स्नान? बहुत अच्छा, बहुत आनंद जी। बताइए माता जी। आनंद लग रहा है। आनंद लग रहा है। पहले भी नहा चुकी है गंगा जी में या पहली बार? दो साल लॉकडाउन में नहीं आया, उसके पहले आए थे। उससे पहले भी आ चुकी है? दो साल पहले। दो साल का जो बीच में गैप हुआ है तो उसके बाद आई है, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद लग रहा है गंगा माँ को देख के। गंगा माँ को देख के आनंद लग रहा है, नहाकर भी आनंद लग रहा है। अभी 110 किलोमीटर पैदल चल रहा है। हाँ, सांस के चले जाएंगे, दौड़ के चले जाएंगे। दौड़ के निकल जाइएगा? हाँ, चले जाएंगे। भरोसा है पूरा? हाँ। कैसे निकल जाइएगा? क्या ऐसा ऊर्जा क्या है आपके अंदर? विश्वास है, आस्था है जी। हाँ। आस्था और विश्वास कहीं ना कहीं बाबा के प्रति है। हाँ। क्या नाम है बम आपका? संकेत कुमार। संकेत कुमार जी, अभी गंगा स्नान हो गया? हाँ, हो गया है। हो गया एकदम बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सारे हमारे दर्शक घर पर बैठ के वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? कहेंगे कि आए ये भी बाबा, बाबा के नगरी में आए और आके मजा लें श्रावणी मेला का जी। हाँ, और बाबा का दर्शन करें। बाबा का दर्शन करें जी। तो ये देख रहे हैं लोगों में जो उल्लास है, 110 किलोमीटर जो है ये पैदल चल जाएंगे यहाँ पे कुछ लड़कियाँ। कैसा लग रहा है गंगा जी में स्नान? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार है कि? पहली बार आई है। और 110 किलोमीटर पैदल चलना है? चल लेंगे, कोई बात नहीं, दूर आए वहाँ भी पहुँच जाएंगे। इससे पहले 110 किलोमीटर आप चली है पैदल? चले नहीं, लेकिन भगवान की कृपा रहेगी, पहुँच जाएंगे। इस बार आशा है पूरा? आशा पूरा। बाबा का दर्शन करने का क्या उल्लास है अंदर? बहुत अच्छा थी, पहली बार आ गई, बहुत खुशी मिल रही है आने से। कब जल चढ़ाना है, सोमवार या रविवार को? आज ही चढ़ाना है, पहुँच जाएंगे अच्छे से लोग तो जी। तो ये देख रहे हैं लोग जो है यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा गुप्ता है। कहाँ से आई हैं? हम सिद्धार्थ नगर से आए हैं। सिद्धार्थ नगर से? सिद्धार्थ नगर, यहीं से हैं आप? हाँ। क्या बात है, आप यहाँ तक? गंगा तो हमेशा स्नान होता होगा। हाँ। बाबा नगर जाना है? हाँ। बाबा नगर यहाँ तो दूर है, कैसे जाइएगा फिर? हाँ, चले जाएंगे। पैदल चल लीजिएगा? हाँ, चल लेंगे। पैर में छाले वगैरह भी पड़ते हैं पता है कि नहीं? बात नहीं, पैर में छाले पड़ जाते हैं, दर्द हो जाता है, थक जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग चल लेंगे। बाबा का दर्शन कर लेना है। 110 किलोमीटर हम वहीं से आ रहे हैं, देवघर से आ रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा, हाँ, हम लोग चल लेंगे, भगवान का आशीर्वाद, इतना दूर तक कहाँ है, वहाँ तक भी चल, वहाँ तक जाएंगे। कैसे पार लगेगा ये सफर? हो जाएगा भगवान के आशीर्वाद से। भगवान के आशीर्वाद से हो जाएगा। ये देख रहे हैं लड़कियों में भी जोश है कि बाबा के जो है आशीर्वाद से जो है हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये युवा गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और बोलबम के नारे से जो है वो जो उद्घोष कर रहे हैं और काफी खुशी जो है ये जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा के दर्शन करने के लिए कंवरियों में जो जोश भरा है वो कहीं ना कहीं महादेव से ही है। और गंगा जी स्नान करने के बाद तो मन तन धन जो है वो पवित्र हो ही जाता है। बाकी आप अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हम और अपडेट जो लेके आ रहे हैं और देवघर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ जाके जो है आप वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सुल्तानगंज का जो नज़ारा देख के आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी इजाज़त दीजिए, हर हर महादेव।